दोस्तों, एक आईटी का काउंटर है जिसने पिछले 6 महीनों में निफ्टी और निफ्टी आईटी दोनों को आउट परफॉर्म किया है। मैं बात कर रहा हूं परसिस्टेंट सिस्टम्स की। पिछले 6 महीनों में परसिस्टेंट ने 27.83% का रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी ने 11% और निफ्टी आईटी ने 15% का रिटर्न दिया है। अब इस कंपनी की कुछ खास बातें कर लेते हैं। FY27 तक कंपनी $2 बिलियन का रेवेन्यू टारगेट कर रही है। इसके अलावा कंपनी अपने एक्सपेंसेस को कम करने के लिए स्ट्रिक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज पर भी काम कर रही है। आने वाले टाइम में ये हाई डिमांड एरियाज जैसे कि डेटा, क्लाउड, डिजिटल इंजीनियरिंग जैसे एरियाज में अपना फोकस बढ़ा भी रही है। साथ ही ये अपने यूरोपियन मार्केट शेयर को भी बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। अभी तक यूरोप से इनको 7-8% का रेवेन्यू आता था, जिसे 12% तक ले जाने का इनका टारगेट है। बात करें अगर इनके सेल्स की, तो फाइनेंशियल ईयर 24 में 9,822 करोड़ की सेल्स है, जिसमें 1676 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी कि लगभग 17% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी मेंटेन कर रही है। FY25 में एस्टिमेटेड सेल्स 11,600 करोड़ की एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 13.7% रहने की उम्मीद है। साथ ही फाइनेंशियल ईयर 26 में 13,700 करोड़ और 27 में 16,000 करोड़ सेल्स का भी अनुमान है। मोतीलाल ओसवाल ने इस काउंटर पर अपनी बाय रेटिंग बरकरार रखी है विद द टारगेट ऑफ 6,300, यानी कि लगभग 20% का रिटर्न फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस। तो आपको ये स्टॉक को अपनी वॉचलिस्ट में जरूर ऐड करना चाहिए।